शाबाश शाबाश शाबाश, मैं आपके साथ हूँ। नवीन भाई, मलिक साहब, मैं आपके साथ हूँ। अभी तक क्या कहना है, जो चार पहले पूरे वो खेलेंगे, ये खेलेंगे खेलेगा, जो पहले चार पूरे वो तो खेलेगा खेलेगा खेलेगा, क्यों खेलेगा, चार पूरे वो खेलेंगे। अब्बास रजा नहीं खेलेगा, अब्बास रजा नहीं खेलेगा, जो पहले चार आए हैं वो खेलेंगे, भावे मलिक साहब नाराज़ हों या खुश हों, बस ये हमारा आखिर, वरना हम गेम छोड़ देंगे आज। आप दूसरे क्लब में जाना चाहते हो? नहीं, मैं दूसरे क्लब में नहीं जाना, मैं बेगैरत नहीं हूँ, मैं इधर ही रहूँगा मैं, लेकिन हम जो पहले चार आए हैं वो खेलेंगे बस। गुड, गुड मलिक साहब, गुड। अब तीसरी गेम किस टाइम लगाएंगे आप? सर तो नहीं खेल, कौन मलिक साहब नहीं खेल रहे, कौन खेलेगा उसकी जगह? सर रजा बाद साहब जमा। अच्छा, और ये 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 जो इनका वो था सो वापस हो गया। चलिए खैर, नेक्स्ट टाइम सर, गुड लक। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आप? ठीक है, खैरियत है। अब आपकी गेम शुरू होने वाली है, तो चलें, बेस्ट ऑफ लक। अब खेलें, वो बूढ़े हैं, थक गए हैं, वो लगाने वाले नहीं, वो थक गए, नहीं लगाने, एंड हो गई। ये दो खेलेंगे ना, ये दो खेलेंगे, आप खेलेंगे। इमरान भाई, ये 100 रुपये क्या कैंसिल हो गया? सर वो कैंसिल नहीं हुआ, हाँ कि मलिक साहब इज़ वेरी टायर्ड, हाँ बिकॉज फाइनल मैच, आप उर्दू आ जाएंगे, तंगे ना टू मारो। ठीक है, अच्छा इसको कंटिन्यू करेंगे थर्ड गेम आप जी, इंशाल्लाह कल इस चीज़ को यहीं से स्टार्ट किया जाएगा। अच्छा, जो हमारा फाइनल है, चलें कल हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं मलिक साहब का इंटरव्यू ले लूँ ज़रा। मलिक साहब, ये गेम आपकी कैंसिल हो गई, क्या हुआ उसके बारे में? आप फाइनल कल खेलेंगे, ये थर्ड गेम कल होगी, क्योंकि वो जो है ना जख्मी हो गए खावर शाह साहब, जख्मी हो गए। अच्छा, ये वो मेंटली जख्मी हुए हैं या फिजिकली हुए हैं? मेंटली भी हो गया, स्टेमिना नहीं था। हाँ, जब स्टेमिना ना हो तो बंदा ऐसे ही होता है कि बस बच्चे हैं ना अभी। अच्छा, मुझे तो लगता है कुछ खाया हुआ, तो बहुत अच्छी गेम कर रहे थे वो, गेम तो अच्छी कर रहे थे, लेकिन स्टेमिना की वजह से मार खा गए। स्टेमिना की अंडर 5 आई है, चैलेंज मैच जो फाइनल मैच और उसमें अंडर 5 आ जाए, यानी कि 21 में से 5 पॉइंट किए हैं, तो ये चल यार गेम में जा, ये जा रहे हैं, ये देखो ये जा रहे हैं, शेमफुल है, बहुत शेमफुल है। इमरान भाई, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर जैसे कि मलिक साहब हमारे सीनियर हैं, आप थोड़ा बैठ जाएँ तो आपकी स्क्रीन, हाँ सर, जैसे कि मलिक साहब हमारे सीनियर हैं, जो ये भी बैन यकी करें, हम इससे कोई इतराज़ नहीं, हमारे बड़े हैं, ठीक है ठीक है। बाकी खावर शाह साहब अभी भी जो है ना जी, वो इन स्टेमिना है, अगर वो तीसरी अगर खेलना भी चाहें तो हम खेल सकते हैं, तैयार हैं, हमारा कोई इनकार नहीं है, ठीक है। लेकिन मलिक साहब इसलिए थक चुके हैं क्योंकि आज वजी शाहन के पास आपस में गया था, तो उसकी वजह से फिर मलिक साहब का थोड़ा स्टेमिना लूज हुआ। यार ये आप जो वीकनेस है ना मलिक साहब की, आप यूट्यूब पे नहीं बता सकते आप ये इतराज़, आप ये नहीं, वो मैंने गलत बात तो नहीं की, मैंने ये बताया कि वजी शाह आज इनके ऑफिस में गया था, तो उसका हम क्या मतलब नहीं आप? सर वो फिर समझने वाले समझ जाते हैं, मेरे ऑफिस में गए थे, वो कहते हैं ना अकलमंद के लिए इशारा ही काफी है, इन्होंने बहुत बड़ी साजिश की है, तो आज आपको कमजोर करने की, आज भाई नौमी भी पीछे बैठ गया है, लेकिन वो अच्छा हम सारे आज अपने नए मेंबर को खुशामदीद कहते हैं। जी जरूर, ये हमारे नए मेंबर आए हैं उमेर साहब, उमेर भाई को हम खुशामदीद कहते हैं, सुबह का भूला शाम को खा रहा है, जो उसको भूला नहीं, कोई बात नहीं, खैर है, उसको लूला कहते हैं, हम वेलकम कहते हैं इनको, हम इनको बीबीसी क्लब में वेलकम बैक करते हैं,
और दिल की अथाह गहराइयों से इनको खुश आमदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा या ये हमारे साथ इसी तरह खेलते रहें, दोबारा को बहन यकी करके ना जाएं। और हमारे नवी भाई आप क्या कहें, मैं इसके ऊपर टीन लगा दूँ। मेरे साथ बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत अच्छी बात है। हम वेलकम कहते हैं जी, वेलकम कहते हैं जी। हमारा ग्रुप ऐसे शादाबाद रहे जी, इसमें बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत दिल वाले हैं, लेकिन थोड़ी बहुत होती रहती हैं, हम इनको इग्नोर करना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।